नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पोर्टल पर जब आप पोर्टल ड्राइवर ऐप डाउनलोड करते हैं और उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर पोर्टल के आईडी की वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत आती है वो सारी बातें आपको समझनी होगी। मैंने जब अपनी पोर्टल की ड्राइवर ऐप डाउनलोड की थी और मैंने वीडियो भी डाली हुई है, अगर आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पोर्टल की एक वीडियो नजर आएगी जिसमें हमने पोर्टल के आईडी बनाने को लेकर तीन सीरीज बनाई हुई है, तीन वीडियो की सीरीज बनाई हुई है जिसमें हमने सारी चीजों को ना बारीकी से बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी हमने इसमें बातें बताई हुई है। उसके बावजूद भी ऐसे बहुत से राइडर्स हैं जिनके लगातार मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं वीडियो में कि भाई मैंने अपनी आईडी को डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और मेरी जो आईडी है वो ट्रेंडिंग में अभी अटकी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप पोर्टल ड्राइवर ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपके मोबाइल से होती है और उसके अंदर आपके सामने कुछ वीडियोस आती है जिनके अंदर पोर्टल कंपनी और काम करने के तरीके के बारे में बताया जाता वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आपको वो सारी वीडियोस को कंप्लीट देखना होगा, उन सारी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा और पूरा जब आप उनको कंप्लीट देख लेंगे उसके बाद आपके साथ एक डमी आपको ऑर्डर दिया जाएगा और वो आपको मदद के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको एक डमी ऑर्डर दिया जाता है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर और उसमें आपको वो सारा प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग अपने ड्यूटी को कंप्लीट करते हैं वो सारा प्रोसेस आपको उसके अंदर दिखाया जाएगा। उसके हो जाने के बाद आपकी आपकी जो आईडी वो बनने के लिए तैयार है, पर यहां पर कंपनी आपकी आईडी को तीन अलग अलग तरीके से चेक करती है, आपकी जो प्रोफाइल है वो अलग अलग बंदों के पास जाती है जिसमें समय लगता है। पोर्टल के पास बहुत सी ऐसी आइडियाज हैं जो पेंडिंग में है, अगर आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट की दिक्कत है तो वो चीज कंपनी आपको बता देती है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको पोर्टल के ऑफिस ही जाना होगा, आप देखेंगे मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन लगा रहा हूं, इसमें आपके सामने एक हेल्प का ऑप्शन है, आप हेल्प के ऑप्शन में कॉल कर मतलब कि दबाओगे तो आपके पास कॉल का ऑप्शन खुलता है जहां पर आप पोर्टल कंपनी से अपनी आईडी के बारे में पूछ सकते हैं कि हमारी आईडी अभी कहां पर फंसी हुई है। और जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तब उसके बाद आपने इनको एक अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर एक मेल आता है आपके उस ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आपने दी हुई है वहां से आपको इन्हें परमिशन देनी होती है। वो परमिशन देने के बाद आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है और आप जब डमी ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी आपका 15 दिन से एक महीना तक इसके अंदर लग सकता है, तो आपको इसमें इंतजार करना है। और आपके पास एक हेल्प का ऑप्शन है, आप हेल्प पर बटन दबाओगे तो आपको कॉल का ऑप्शन आता है, कॉल करके आप अपनी आईडी के बारे में कंपनी से पूछ सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो क्या दिक्कत है, उस दिक्कत का समाधान आप कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी कंपनी में ऐसे भी राइडर्स हैं जिनके पास मोटरसाइकिल अपनी नहीं है, अपने भाई के नाम पर है, अपने पापा के नाम पर है और वो ड्राइविंग लाइसेंस अपना लगाते हैं, तो उसमें आपसे कंपनी एफिडेविट मांग सकती है कि आपके पिताजी या आपके भाई को आपके बाइक चलाने से कोई भी आपत्ति नहीं है, तो वो एफिडेविट भी आपसे मांग सकते हैं। अगर आपका लोकल एड्रेस अलग है और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो लोकल एड्रेस जहां पर आप रहते हो वहां की आपसे रेंट एग्रीमेंट मांगा जा सकता है, बॉन्ड मांगा जा सकता है। तो ऐसी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनकी वजह से कई बार आइडिया जो है वो क्यू में लगी रहती है, अटकी हुई रहती है, जो धीरे धीरे समाधान के साथ साथ कंपनी द्वारा ठीक की जाती है। तो यहाँ पर जरूरत है थोड़े से धैर्य की, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी आईडी बनने में मुझे कम से कम 20 दिन लगे थे जबकि मेरा परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस एक ही है और मैं मेरे पास मेरी अपनी बाइक और अपना खुद के नाम से लाइसेंस है, तो मेरे डॉक्यूमेंट में किसी भी कमी को ना होते हुए भी मेरे को एक महीना लगा था पोर्टल में आईडी बनने में। तो अगर
आपने अप्लाई किया हुआ है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, बहुत जल्द आपकी आईडी बन जाएगी और बहुत जल्द आप पोर्टल के साथ ऑर्डर्स कंप्लीट करने लग जाएंगे। तो इसलिए धैर्य रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।